हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और आज हम बात करेंगे विंग वैलेंस के बारे में। मोस्ट ऑफ आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करते होगे, आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि विंग वैलेंस। विंग वैलेंस के आप जानते हो कि आखिर विंग वैलेंस कितने टाइप के होते हैं? विंग वैलेंस होते हैं दो टाइप के। एक होता है आपका एनर्टिकल वैलेंस और दूसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल वैलेंस। तो चलिए पहले तो अपन दोनों के बारे में जानते हैं कि आखिर दोनों हैं क्या। अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल बैलेंस की, तो इंडस्ट्रियल बैलेंस वो बैलेंस हैं जिसमें आपको ज़्यादा वेट करते हो और उसकी एक्यूरेसी लेवल उसके हिसाब से होती है, जैसे उसका लिस्ट काउंट। और सेकंड होता है आपका एनालिटिकल बैलेंस। तो एनालिटिकल बैलेंस अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में हैं तो आपको क्यूसी डिपार्टमेंट में है और अदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ भी विंग बैलेंस में आपका एनालिटिकल बैलेंस यूज़ होता है। लेकिन अगर आप फार्मा में नहीं हैं तो भी आपको देखने को एनालिटिकल बैलेंस मिल जाएगा। तो सोच रहे होंगे कि अगर आप फार्मा में तो एनालिटिकल बैलेंस कहाँ यूज़ करते हो? जी हाँ, एनालिटिकल बैलेंस आपका बेसिक यूज़ होता है जहाँ आपके छोटी छोटी यूनिटों को मेज़र करना रहता है। जैसे कि आपका गोल्ड, आप किसी भी कल्याण ज्वेलर्स या किसी भी ज्वेलर्स शॉप पे जाएंगे तो आपने देखा होगा उनके पास एक स्मॉल छोटा सा वेइंग बैलेंस रहता है, उसी को बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस। तो ये दो टाइप के वेइंग रहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं आखिर इनके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। अगर आप फार्मा या किसी भी इंडस्ट्री में, तो इनके दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैलिब्रेशन और एक होता है ऑपरेशन, जो कि हम डेली करते हैं। ऑपरेशन और कैलिब्रेशन दोनों की रेंजें अलग अलग रहती हैं। अगर आप सोचते हो कि अगर आपके पास एक इंडस्ट्रियल बैलेंस है जिसकी कैपेसिटी या लिमिट है 35 kg, तो क्या आपको लगता है आप 35 kg तक वेट कर सकते हो? ऑफकोर्स कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है, पहले आपको वो देखना पड़ेगा कि आखिर इस बैलेंस की ऑपरेटिंग रेंज क्या है। कैलिब्रेशन रेंज भी सेम रहता है, जब भी आपको उसको कैलिब्रेट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी कैलिब्रेट रेंज क्या है। और ये दोनों जो रेंजें हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि आखिर कितनी रेंज रखना है। मोस्ट ऑफ अगर कंपनियों में बात करते हो तो इनकी कैलिब्रेशन रेंज रहती है 95%, 50%, 30% एंड 5%। मतलब जो भी स्टैंडर्ड वेट का कैपेसिटी है उसका 95%, 50%, 30% और 5%, मोस्ट ऑफ ऐसा ही रहता है। हो सकता है कि आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो या फिर आपकी लिमिट कुछ और हो, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था। और अब बात करेंगे आपके ऑपरेशन रेंज की, तो ऑपरेशन रेंज इससे थोड़ा सा चेंज रहता है। ऑपरेशन रेंज अगर आप मोस्ट ऑफ देखते हो कि यहाँ कैलिब्रेशन रेंज आपकी मोस्ट ऑफ क्या थी, 95%, तो यहाँ पर ऑपरेशन रेंज आपकी मोस्ट ऑफ रहेगी 90%। मतलब हमेशा ये मोस्ट ऑफ इंटरव्यू पूछा भी जाता है कि भाई कैलिब्रेशन रेंज और ऑपरेशन रेंज, तो हमेशा याद रखना ऑपरेशन रेंज कैलिब्रेशन रेंज से हमेशा कम होती है। आप कैलिब्रेट करते हो 95% से लेके 5% तक, लेकिन जब ऑपरेट करने की बात होती है तो आप करते हो मिनिमम 10% से लेके 90%। मतलब आपकी जो ऑपरेशन रेंज है वो हमेशा कैलिब्रेशन रेंज से कम ही रहेगी। ये मोस्ट ऑफ फार्मा के अभी इंटरव्यू में पूछा जाने लग गया है, और मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट मोस्ट ऑफ बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको कैलिब्रेशन के लिए 483 जैसे पॉइंट या ऑब्जर्वेशन मिले हुए हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। सो प्लीज़ आप कैलिब्रेशन रेंज को ज़रूर एक बार स्टडी कीजिए। और ये हमारी वेइंग की फर्स्ट वीडियो है, इस पर भी हम एक सीरीज़ ऑपरेट करेंगे और हम इंडिविजुअल वन एक्टिविटी के बारे में आपको डीपली बताएंगे। मेरा नाम रविंद्र है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और सारे वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।